दोस्तों सब्सक्राइब करें बाबा का ज्ञान चैनल को ताकि आपको मिल सके वीडियोस सबसे पहले सबसे तेज। अभी सब्सक्राइब करें। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। मैंने युवा दिनों में ही अपने पिता को खो दिया था। मेरे पिता मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा थे। पापा मेरे साथ रोज क्रिकेट खेला करते थे। आज भी मुझे उनकी कमी महसूस होती है। उनकी मृत्यु के बाद हमारा फैमिली बिजनेस डगमगा गया था। इस वजह से मुझे किराए के घर में भी रहना पड़ा। वो समय मेरे और मेरे परिवार के लिए काफी मुश्किल था। आज भी उस समय को याद करते हुए मेरी आंखें नम हो जाती हैं। ये कुछ लाइनें थी इस सदी के महान क्रिकेटर विराट कोहली की, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी। तो आइए जानते हैं विराट कोहली की संघर्ष भरी कहानी को, चीकू से विराट बनने की कहानी को। कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रेम कोहली पेशे से एक क्रिमिनल लॉयर थे। उनकी माता सरोज एक हाउस वाइफ है। विराट कोहली अपने परिवार में सबसे छोटे हैं। उनकी एक बड़ी बहन और एक बड़े भाई भी हैं। विराट का निकनेम चीकू है। उनकी माँ बताती हैं कि जब विराट 3 साल के थे तभी से उन्होंने बैट पकड़ लिया था और अपने पापा को अपने साथ खेलने के लिए परेशान करते थे। कोहली दिल्ली में उत्तम नगर में रहते थे और विशाल भारती स्कूल दिल्ली में पढ़ाई करते थे। विराट का क्रिकेट के लिए प्यार और उत्साह देखकर उनके पड़ोसियों ने प्रेम जी से जाके कहा कि विराट को गली में क्रिकेट खेलकर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो विराट के पापा ने विराट का एडमिशन वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया। तब विराट केवल 9 साल के थे। विराट को राजकुमार शर्मा ने ट्रेनिंग दी। उनके कोच बताते हैं कि विराट क्रिकेट के लिए इतने जिद्दी थे कि उनका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद भी वो घर नहीं जाते थे। उन्हें बस हमेशा बैटिंग चाहिए रहती थी। वो एकेडमी भी सबसे पहले आ जाते थे। बाद में विराट ने स्विन डोगरा एकेडमी ज्वाइन कर ली और जेवियर कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन ले लिया। इस टाइम तक विराट क्रिकेट के लिए सीरियस हो गए थे। 13 साल की उम्र में वो पहली बार दिल्ली की अंडर-15 की टीम से खेले। उस टूर्नामेंट में विराट को हाईएस्ट रन स्कोरर का अवार्ड भी मिला और ये अवार्ड और किसी ने नहीं बल्कि खुद आशीष नेहरा ने विराट को दिया था। वर्ष 2004 में उन्हें दिल्ली की अंडर-17 टीम का हिस्सा बना दिया गया। इस दौरान उन्होंने विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए खेला और 4 मैचों में सबसे ज्यादा 450 रन बनाए थे। फिर करीब 18 साल की उम्र में विराट अंडर-19 टूर ऑफ इंग्लैंड के लिए सिलेक्ट हो गए, जहां पर इंडियन टीम ने सीरीज भी जीत ली। फिर विराट ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया, जहां वो दिल्ली की टीम से खेले थे, पर अपने पहले मैच में वो सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। उस टाइम पे विराट के पापा की तबीयत खराब होने लगी थी और उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। उस टाइम पे विराट एक 4-डे टेस्ट खेल रहे थे, जहां विराट बिना आउट हुए क्रिज पर डटे रहे। उसी रात 3 बजे 18 दिसंबर 2006 को विराट के पापा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। फिर उसी सुबह विराट वापस मैदान पे लौटे और उस मैच में करीब 90 रन बनाए। इस मैच के तुरंत बाद विराट अपने पापा के अंतिम संस्कार में गए। ये विराट की जिंदगी का सबसे मुश्किल और दुखदाई समय था। अपने कैरियर के इस कठिन समय में पापा की मृत्यु से उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां और परेशानियां आ गईं। वो कहते हैं कि आज भी उस समय को याद करके मेरी आंखें नम हो जाती हैं। फिर 2008 में विराट ने इंडिया की अंडर-19 क्रिकेट टीम को अपनी कैप्टनशिप में वर्ल्ड कप जिताया। फिर उसी साल विराट को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 20 लाख रुपए में यूथ कॉन्ट्रैक्ट पे खरीद लिया। अब विराट का बल्ला बोलने लगा था। आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद विराट को 2009 में ओडीआई टीम में भी सिलेक्ट कर लिया गया, पर अपने पहले ही मैच में विराट सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए।
विराट की गंदी परफॉर्मेंस के कारण उन्हें इंडियन टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। अब ये समय विराट के लिए काफी मुश्किल था, पर फिर विराट की जिंदगी में एक नया मोड़ आया और उन्हें फोर टीम इमर्जिंग प्लेयर टूर्नामेंट में सिलेक्ट कर लिया गया, जो कि उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। और इस टूर्नामेंट में विराट हाईएस्ट रन स्कोरर बने, जिसके बाद विराट को इंडियन टीम में फिर से ले लिया गया। और फिर विराट ने बहुत से अर्धशतक, शतक बनाए और रनों के पहाड़ खड़े कर दिए। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। विराट ने कभी पीछे मुड़के नहीं देखा और आज वो इंडियन टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं। वो अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने पापा को देते हैं। विराट कहते हैं कि मैं सामने वाले को नहीं देखता कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी है, मैं बस इतना सोचता हूँ कि मेरे पीछे करोड़ों फैंस का आशीर्वाद है। आज विराट इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो कंसिस्टेंट है, वो हर मैच में रन बनाते हैं। और अभी उन्होंने 4 साल के रिलेशनशिप के बाद अनुष्का शर्मा से शादी कर ली है। तो दोस्तों, ये थी विराट कोहली और हमारे चीकू की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आपको विराट कोहली कैसे लगते हैं। और अगर आप ऐसे इंफॉर्मेशन से भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपने जो टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद।